सो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑटोडिक्शन। मैं हूं प्रदीप। और भाई आज हमारे सामने है बलेनो का BS6 2 वाला अपडेटेड वर्जन, जिसे गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल से मैंडेटरी कर दिया था सभी कंपनीज के लिए BS6 2 के जो कंप्लायंस है उसको फॉलो करने के लिए। तो ये हमारे सामने है बलेनो का बेस वेरिएंट, जिसका नाम सिग्मा वेरिएंट है। इस वीडियो में हम देखेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स एड ऑन किए, क्या क्या माइनस किए गए BS6 2 वाले वर्जन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट फेशिया की। ग्रिल्स वगैरह पहले की तरह ही सेम है बेस वेरिएंट में, लेकिन जो है मेन चेंज इसमें जो फ्रंट में मिलेगा हमें, हेडलैम्प्स इसमें हमें जो है प्रोजेक्टर दे दिए गए हैं, जो पहले हेलोजन ही आते थे। बेस वेरिएंट से हमें हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। अब फॉग लैम्प्स पहले भी नहीं आते थे, अभी भी नहीं मिलेंगे हमें। नीचे भी ब्लैक ग्रिल्स मिल जाती हैं और बाकी और कोई चेंजेस हमें फ्रंट में नहीं मिलेंगे। इंजन में कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं किया है, बस थोड़ा सा अपडेट किया है, जिससे हम E20 फ्यूल की ब्लेंडिंग कर पाएंगे, मतलब कि इथेनॉल की हम ब्लेंडिंग कर पाएंगे, जिससे कि फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो सकती है गाड़ी की। तो अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे। तो साइड में इसमें हमें बेस वेरिएंट के अंदर कोई भी क्रोम वगैरह यूज देखने को नहीं मिलेगा, और भी कोई चेंजेस BS6 2 वर्जन में हमें नहीं देखने को मिलेगा इसके अंदर। टायर साइज की बात करते हैं, 185/65 R15 इंच के टायर साइज मिलता है, जिसमें हमें स्टील रिम्स मिलेंगे, व्हील कवर्स हम लगवा सकते हैं, और फेंडर पे ही इंडिकेटर मिलेंगे जो पहले मिलते थे। ORVMs भी जो हमें बॉडी कलर नहीं मिलेंगे, ब्लैक कलर के ही मिलेंगे बेस वेरिएंट के अंदर। डोर हैंडल्स भी जो हमें ब्लैक कलर के ही मिलेंगे, बॉडी कलर नहीं मिलेंगे, पहले भी नहीं मिलते थे, अभी भी नहीं मिलेंगे। और चेंजेस में हमें साइड प्रोफाइल में कोई देखने को नहीं मिलेगा। बी पिलर जो था वो भी पहले भी बॉडी कलर मिलता था, ब्लैक नहीं मिलेगा, अभी भी वही है सेम। तो साइड से ओवरऑल गाड़ी हमें ऐसी दिखेगी, व्हील कवर्स वगैरह डलवा के गाड़ी अच्छी सी लुक बन सकती है। अच्छा सा वेरिएंट है भी ये, क्योंकि इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वगैरह दे दिए गए हैं, LED टेल लैम्प्स वगैरह दे दिए गए हैं। तो अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल, रियर प्रोफाइल पे। ये है इसका रियर प्रोफाइल। तो जो मेजर चेंजेस इस वर्जन में हमें मिलते हैं वो रियर और फ्रंट में ही मिलते हैं, साइड में कोई चेंजेस नहीं मिलते हैं। रियर में हमें जो मेजर चेंज मिलता है, इसके LED टेल लैम्प्स दे दिए गए हैं, पहले हमें हैलोजन ही मिलते थे। नीचे बम्पर पे रिफ्लेक्टर्स वगैरह पहले की तरह ही मिल जाते हैं। 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं रियर हमें, रियर कैमरा नहीं मिलेगा लेकिन इस वाले वेरिएंट के अंदर। और जो मेजर चेंज है इसमें, यहाँ पे रियर डिफोकस दे दिए गए, पहले हमें नहीं मिलते थे रियर डिफोकस वगैरह। ऊपर शार्क फिन एंटीना और स्पॉइलर विद स्टॉप लैंप, ये सारी चीज़ें हमें पहले मिल जाती थी। जो मेजर चेंज है, LED टेल लैंप्स दे दिए गए और डिफोकस दे दिए गए रियर में। इसके बाद बात करते हैं बूट स्पेस की। तो बूट को हम यहाँ से इलेक्ट्रिकली ओपन कर सकते हैं। 318 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है गाड़ी के अंदर। बूट लैंप वगैरह इसमें हमें नहीं मिलेगा, साइड में दोनों साइड में हमें थोड़ा थोड़ा स्पेस मिल जाता है लेकिन। और जो मेजर चेंजेस में हमें मिलता है वो है 60-40 स्प्लिट में हमें सीट्स मिल गई हैं, पहले जो बेंच फोल्डिंग मिलती थी हमें। और रियर स्पेयर व्हील की बात करते हैं अगर, तो स्पेयर व्हील हमें वही 15 इंच का सेम ही मिलता है जो बाकी के सारे टायर्स हैं उसके हिसाब से ही। तो बूट में हमें जो चेंज मिलता है वो है 60-40 स्प्लिट में हमें सीट्स जो मिल गई हैं उसका, बाकी और कोई चेंज हमें नहीं मिलेगा, बूट स्पेस सेम ही मिलेगा। और अगर हम इसकी इंटीरियर की बात करते हैं तो वही सेम ब्लू और ब्लैक फिनिश में हमें इसका इंटीरियर मिलता है, डुअल टोन। और यहाँ पे जो ड्राइवर्स डोर है हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा, और यहाँ पे हमें फैब्रिक का ही यूज़ मिलेगा, वही सेम जो पहले मिलता था। और यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स, ड्राइवर्स विंडो ऑटो अप और डाउन, और एम सी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल नहीं मिलेंगे हमें, और कोई चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा इसमें हमें। और इंटीरियर में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं वो हम देख लेंगे वीडियो के अंदर। इस तरीके का इसका थोड़ा हमें केबिन स्पेस देखने को मिलता है। ड्राइवर्स जो सीट है हमें, सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेगी, रिक्लाइनेबल मिल जाती है ड्राइवर्स और को ड्राइवर वाली। और अब देखते हैं अंदर बैठ के। तो इस तरीके का इसमें हमें डैशबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि फ्रॉन्क्स जो नई आई है उसके जैसा ही है। तो पहले इग्निशन ऑन कर लेते हैं। तो फ्लैट बॉटम हमें इसमें 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो पहले मिलता था वही सेम, टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ। कोई भी कंट्रोल्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे स्टीयरिंग व्हील के अंदर, ना क्रूज कंट्रोल ना इन्फोटेनमेंट का, क्योंकि इन्फोटेनमेंट है ही नहीं इसके अंदर। जो मेजर चेंज इसमें हमें देखने को मिलेगा, इसमें हमें पहले टैकोमीटर नहीं मिलता था, मतलब कि एक्सीलेटर RPM मीटर नहीं मिलता था ये वाला, सिर्फ स्पीडोमीटर मिलता था। अब इसमें हमें दोनों चीज़ें दे दी गई हैं। राइट साइड में यहाँ पे हमें कार्बन फाइबर जैसी थोड़ी सी फिनिश देखने को मिल जाती है, जो कि रियल तो नहीं ऑब्वियसली। और नीचे की तरफ यहाँ पे हमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ और इंजन ऑटो ऑफ और हेडलाइट लेवलिंग बटन, यहाँ पे थोड़ा सा यूटिलिटी स्पेस, यहाँ पे बूट ओपन और फ्यूल लिड के लिए। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम इसमें ऐड कर दिया गया है स्टैंडर्ड ही सभी वेरिएंट्स में। यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता था पहले भी और अभी भी नहीं मिलेगा। AC वेंट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऐड कर दिया गया है, जो पहले मैनुअल मिलता था हमें सिग्मा वेरिएंट के अंदर। यहाँ पे USB पोर्ट वगैरह नहीं मिलेगा, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, थोड़ा सा स्पेस, 2 ग्लास होल्डर्स, गियर नो पूरा ब्लैक मिलेगा। ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलता सिग्मा वेरिएंट में, ना ही आर्मरेस्ट वगैरह मिलता है इसमें हमें। और यहाँ पे ब्लू फिनिश पूरा प्लास्टिक, ग्लोव बॉक्स में थोड़ा सा सफिशियंट सा स्पेस हमें मिल जाता है पेपर्स वगैरह रखने के लिए। सनवाइजर पे वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, पहले भी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलेगा। डे एंड नाइट एडजस्टमेंट के साथ IRVM मिल जाता है, डे एंड नाइट IRVM, यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। और यहाँ पे भी बीच में भी हमें जो है केबिन लैंप मिल जाता है हैलोजन ही।
तो अब चलते हैं इसके रियर सीट्स पर, वहाँ देखते हैं क्या क्या चेंजेस मिलेंगे इसमें। तो रियर डोर हमें पहले की तरह ही सेम मिलता है, ब्लू फिनिश और ब्लैक फिनिश में। यहाँ पे अगेन फैब्रिक का यूज़, और जो डोर हैंडल ब्लैक ही मिलते हैं सारे ही हमें। नीचे बॉटल होल्डर, और इस तरीके का इसमें हमें केबिन स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे रियर सीमेंट नहीं मिलता है सिग्मा में भी, और डेल्टा में भी नहीं मिलता इवन। और यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है सिग्मा वेरिएंट से ही। रियर सीट्स पे जो चेंज किया गया है वो है, तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो पहले हमें दो ही मिलते थे, वो भी नॉन एडजस्टेबल। यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह अभी भी नहीं मिलता है, पहले भी नहीं मिलता था। पीछे पार्सल ट्रे पहले भी नहीं मिलती थी, अभी भी नहीं मिलेगी सिग्मा वेरिएंट के अंदर। तो भाई ये सब कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगे बलेनो सिग्मा BS6 2 वर्जन के अंदर। मेरे अकॉर्डिंग अब थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन चुका है ये वेरिएंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे एसेंशियल फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं।